आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आपके पास कोई सा भी बैंक अकाउंट है, आप किसी भी बैंक का अगर अकाउंट यूज करते हैं, अगर आपको नहीं पता कि आपके बैंक अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आपके अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, अगर आप पता करना चाहते हैं आपके बैंक में कौन सा नंबर लिंक है, कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है ऑल बैंक मिस कॉल बैलेंस। उसके बाद हमें यहाँ पे एक लिंक शो हो रहा है ऑल बैंक मिस्ड कॉल बैलेंस चेक नंबर, हमें इस लिंक को यहाँ से ओपन कर लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सभी बैंक का बैलेंस चेक करने वाला नंबर दिया हुआ है। जैसे आपका बैंक अकाउंट IDFC फर्स्ट बैंक में है तो आपके पास आपके घर में जितना भी मोबाइल होगा, जितना भी मोबाइल नंबर होगा, आपको उस नंबर से यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है आपको इस नंबर पे कॉल करना है और बारी बारी से आपको हर सिम से आपको कॉल करना है। जो भी मोबाइल नंबर आपको बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर से आपको एक मैसेज रिसीव होगा। अगर आपका नंबर लिंक नहीं होगा तो आपको कुछ इस टाइप का मैसेज यहाँ पे रिसीव होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर पर कॉल किया था, जिस नंबर से मैंने कॉल किया था वह नंबर मेरा बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे मैसेज में आया है दिस इज़ नॉट अ वैलिड मोबाइल नंबर, प्लीज़ यूज और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मतलब यह नंबर मेरा IDFC फर्स्ट बैंक के अकाउंट में रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद जो मेरा मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है उस नंबर से मैंने कॉल किया तो मुझे क्या मैसेज रिसीव हुआ, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरा यह नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पैसा चेक करने वाला नंबर था उस नंबर पर मैंने कॉल किया तो मुझे यहाँ पर मेरे बैंक का अकाउंट बैलेंस मुझे शो हो गया। तो आपके पास जिस बैंक का अकाउंट होगा आप उस बैंक का मिस कॉल बैलेंस चेक करने वाला नंबर खोज सकते हैं, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपको बारी बारी से आपके घर में जितना भी मोबाइल होगा उस नंबर पर आपको कॉल करना होगा। कोई ना कोई मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट में जरूर रजिस्टर्ड होगा और आप इस तरीके से अपना बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर को पता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।